से कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानीय भगवान राम जी जो आपके हर दिल अजीज हैं और इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के 36 कौम के सरदार लोग जो आज हमारे इन कांग्रेस के प्रत्याशी को आशीर्वाद देंगे। मैं राजस्थान प्रदेश सोनी महासभा की ओर से, चूंकि हमारे सम्मान्य श्री छुट्टनलाल जी फूल वाले जो कि आप सबसे अपना आशीर्वाद मांगने आए हैं, 36 कौम से आशीर्वाद मांगने आए हैं, आप जैसी यशस्वी बिरादरी के लोग हमारे कांग्रेस के इस यशस्वी नेता को यदि विजय बनाकर भेजेंगे तो हम सबके लिए सौभाग्य होगा। और खास तौर से जो कांग्रेस ने जो परचम इनको दिया है उसके लिए भी हम आपसे अपील करना चाहते हैं, नतमस्तक होकर अपील करना चाहते हैं कि हमारे लाडले और आपके लाडले को भारी बहुमत से विजयी बनाए, ये मैं उम्मीद करनी चाहते हैं। चूंकि पूर्व में भी प्रधान रहे हुए हैं और सारी बातों को समझते हैं, गांव गांव डाणी डाणी, पर हम तो के महासभा के माध्यम से आप छत्तीस बिरादरी से झोली फैलाकर निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने इस लाडले चहेते को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ इस चुनाव की सारी कमान सम्मानीय हमारे रविंद्र जी बडाणा जी, हमारे प्रहलाद सिंह जी गिल, कुरुणा राम जी जाखड़ और विद्याधर जी होलकर साहब और अजीज भाई सुरेश जी मीणा के कमल जी, हमारे वो पीएल कटारिया जी और ये बेटे हमारे सारे, ये जो सारे के सारे, मेरे को तो ये पता नहीं मैं चुनावी लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, सारी कमान इन्होंने संभाल रखी है, तो मैं इनका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। बूढ़ा डेर के सभी नौजवान साथी और बुजुर्गों और माता और बहनों, तो सम्मान्य बडाणा जी यदि दो तीन दिन आए नहीं थे, चुनाव लड़ रहे हैं मैं क्या चुनाव लड़ रहा हूँ, मना पहले के मुंह भाई अपना मन सरो देते यार, बहुत लोगों का मॉडल देखता तो ऐ फिर मानिया मेरी बात ने, जना टेलो मेरे लगाए सारा का सारा मिलके, तो थारा से लोग आपको स्वागत करो, मेरे तो क्या स्वागत करो, तो आपको धन्यवाद। अरे बोलो ये पानी की और कोई समस्या से बैठ के कर लेगा, कोई टेंशन को सारा लोग ला के और बढ़िया तरीका से वोट करो, जिसको आपको मान सम्मान बढ़े। जय हिंद जय भारत। का नारा लगाया, पहले कभी लगा था कि शिवनाथ जी को हराओ और शिवनाथ जी को हरा दिया, जीतता कौन उससे मतलब नहीं था, और पिछली बार ये था कि राजू गुड़ा को हराओ और राजू गुड़ा हार गया, और अब की बार नारा ये है एक नहीं दोनों को हराओ, बुड्ढा को भी हराओ और सुभद्र चौधरी को भी हराओ, और हरा नहीं नहीं अब की बार तो जिताने का भी नारा है कि भगवान राम जी सैनिकों जिताओ और उन दोनों को हराओ। धन्यवाद, जय भारत। गुर्जर समाज में जाता है तो वो कहता भैया कभी कब पन्नाधाय हुआ करती थी, बोले रे हमने तो पन्नाधाय का दूध पिया हुआ है, अरे दूध पिया तो बढ़ाना के साथ हो जाता ना, तो कर्जा तो तुमने ही ले रखा, हमने थोड़ी ना लिया तुम्हारे से। गुर्जर भाई गुर्जर ठाकर भाई भाई पिछली बार नारे लगाते थे और जात कटे से आई, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं गुर्जर आपके साथ है, हर राजपूत समाज भी आपके साथ है, जाट समाज भी आपके साथ है, एससी और एसटी आपके साथ है। आपको बता देना चाहता हूं एससी समाज के लोग बैठे होंगे उनको बता देना चाहता हूं, उनके समाज में जाएंगे तो कहेंगे बहन जी को लेके आ गए, हम तो कांग्रेस में आ ही गए, कभी अशोक गहलोत जी की जय बोलते थे, भाई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, अरे गलत तो नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा तो मुझे टोक देना यहीं पे, ये फड़केबाजी की राजनीति करते हैं, हर समाज को बेवकूफ समझ रखा है, एक आदमी ने 2.5 लाख आदमी को पब्लिक बना बेवकूफ बना दिया है, और आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूं बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ बहुत मजबूत पंजा है, इस बार थपड़ा दो इस पंजे से थपड़ा के, और 7 तारीख को वोट डाल दो इसी पंजे से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका विकास होगा, आपका काम होगा, आपका मान और सम्मान होगा, और गुंडागर्दी तो फ्री फंट में खत्म हो जाएगी, घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फड़क ला क्या हो, खेत में लग जाए तो खा जाता है पूरी खेती को, अब कैसा छिड़काव लगाओ जो ये फड़क ला नहीं बचे, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, क्या कह रही दिल्ली चला गया, इसने बीच में कहा अरे बडाणा जी को तुम्हारा उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है भाई, मेरे आज तक 2 केस के अलावा तीसरा केस नहीं है,
पहला केस उदयपुरवा टीका में गिरावड़ी वाला आपने कांड सुना होगा। मैं लोगों के लिए अपना केस लगवाए, लोगों के लिए मैं जेल गया। दूसरा केस उदयपुरवा टी में गुड्डा गोड़ जी के अंदर मोमडन समाज के जमीन को इन लोगों ने कब्जाने का काम किया। मैंने उस जमीन को बचवाया और सरकार उसमें सरकार में रहते हुए मंत्री था, मंत्री रहते हुए इसने उस वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। मैंने कह दिया ये कॉम्प्लेक्स रविंदर भड़ाना के ऊपर से गुजर के बुलडोजर जाएगी, उससे पहले आपकी बुलडोजर नहीं घुसने दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसने मेरे केस लगवाए, आज भी मैं तारीख भुगत रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं तारीख भुगत लूंगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करना होना बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी क्या कहता है रविंदर भड़ाना तो जेल चला गया। अरे मंत्री जी सुन ले एक बात, कान खोल के सुन लेना, रविंदर वडाना उस जेल को उत्तर प्रदेश की जेल को तोड़ के आ गया है और अब चुनाव है इसलिए तोड़ना जरूरी था और आज आपके बीच में आ गया हूं। 7 तारीख के बाद तू गुंडागर्दी करना, रविंदर वडाना तेरे को जेल में ठूस के आएगा, ये वादा करता हूं आप लोगों को। घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज रविंदर वडाना तुम्हारे लिए तन से मन से धन से हर तरह से आपके साथ है। आप पानी मांगोगे रविंदर भड़ाना आपको खून देगा, घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से यह भी कह देना चाहता हूं आज जनाधार बिल्कुल खिसक गया है और ऐसे लोगों को अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया, वो संती देवी माली समाज की थी, उसके मकानों को तुड़वा दिया, गरीब लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया। आपके बराबर में उदयपुर या चौड़ा चौक फुल्ला में मंत्री था, थाना मंत्री सलटा के भेजा है नहीं भेजा, अरे तुम्हें याद है नहीं है, अरे कुछ तो मेरा गला दब गया बोलते बोलते, तुम भी बोलो कुछ। कहते हुए राजस्थान में पहला ऐसा मंत्री था जो चौरा चौफुल्ला के अंदर पिट के गया, पिटाया नहीं बचा तुम्हारे सामने, और प्रशासन था पूरा बार बार का नहीं कर पाया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पिछली बार आप लोगों के मेरे ऊपर पीठ पीछे आप लोग थे, इस बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आपके रविंदर वडाला आपकी पीठ के पीछे आप थप्पा लगा दो, कांग्रेस पार्टी को जिता दो। जय हिंद जय भारत।